उमरिया से। क्षेत्रीय विधायक शिवनारायण सिंह के साथ कलेक्टर उमरिया पहुंचे नौरोजाबाद स्थित नवीन शासकीय महाविद्यालय। रेगुलर एवं गेस्ट प्रोफेसर के लिए अटेंडेंस प्रिंसिपल को लगाई फटकार। उमरिया जिले के नौरोजाबाद नगर में स्थित नवीन महाविद्यालय में पढ़ने वाले छात्रों का भविष्य अंधकार में है। यहाँ पर कॉलेज महज कुछ घंटों के लिए ही संचालित होता है। यह कॉलेज दोपहर 11:30 बजे चालू होता है और कोरम पूर्ति के बाद यह बंद हो जाता है। वर्तमान में इस कॉलेज में बामुश्किल 50 छात्र आते हैं। छात्रों का यह कहना है कि इस कॉलेज में आकर क्या करें, यहाँ ना तो बैठने की उचित व्यवस्था है ना ही टीचर समय पर आते हैं। हम यहाँ प्रतिदिन आकर क्या करें, कॉलेज में 6 नियमित एवं 6 अतिथि शिक्षक हैं जो कभी भी समय पर नहीं आते हैं। कई शिक्षक अप डाउन करते हैं जो अधिकतर समय आते ही नहीं हैं। इस तरह की शिकायत जब क्षेत्रीय विधायक शिवनारायण को मिली तो आज क्षेत्रीय विधायक शिवनारायण एवं जिले के कलेक्टर उमरिया पहुंचे नौरोजाबाद स्थित नवीन शासकीय महाविद्यालय। रेगुलर एवं गेस्ट प्रोफेसर के लिए अटेंडेंस इस दौरान कुछ शिक्षक अनुपस्थित भी मिले जिनके ऊपर उचित कार्रवाई न करने के लिए प्रिंसिपल को फटकार लगाई। इस कॉलेज में पढ़ने वाले छात्रों ने अपनी परेशानी भी कलेक्टर को बताई कि कॉलेज में पदस्थ खेल टीचर का व्यवहार सही नहीं होता है। दरअसल नौरोजाबाद स्थित शासकीय महाविद्यालय में प्रोफेसर्स के समय पर महाविद्यालय न पहुंचने और समय से पहले चले जाने की शिकायतें लगातार कलेक्टर उमरिया को मिल रही थी। वहीं आज दोपहर विधायक शिवनारायण के साथ कलेक्टर महाविद्यालय पहुंचे और महाविद्यालय में व्याप्त अनियमितताओं को लेकर सभी प्रोफेसर की क्लास ली, साथ ही प्राचार्य को जमकर फटकार लगाई। सभी छात्रों को जागरूक करने की आवश्यकता है कि वे रोज आएं और पालकों का भी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका है कि वे अपने बच्चों को रोज भेजें। रोज अगर वो भेजते हैं, सारे बालक यहाँ आते हैं, तो फिर ये हमारे कॉलेज प्रशासन की जिम्मेदारी है, टीचिंग स्टाफ की जिम्मेदारी है कि जो बच्चे आ रहे हैं उनको ठीक से शिक्षण प्रदान करें। सर, नवीन महाविद्यालय में कब तक? नवीन महाविद्यालय अभी बात की है, शायद कोई दरार वगैरह है, मरम्मत करवाते हैं जल्दी से जल्दी। बहुत अच्छा लगा कलेक्टर साहब माननीय विधायक जी के आदेश से, और हमारे बच्चों से उन्होंने पूरे जो भी रूम है एक एक रूम में जा करके उन्होंने बच्चों से शैक्षणिक गतिविधियों की जानकारी ली। बहुत अच्छा लगा और बच्चे भी बहुत प्रभावित हुए। सर, ऐसी जानकारी निकल के आ रही है सामने, अभी सामने भी काफ़ी आपको भी फटकार लगाई है। सर, बहुत सारे आपके जो प्रोफेसर हैं वो आते नहीं हैं समय पे, और ऐसा भी आ रहा है कि सर आते नहीं हैं, अटेंडेंस पूरी होती है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप लोगों के सामने से पूछे, माननीय विधायक जी भी थे, कलेक्टर साहब भी थे, सामने देख रहे हैं, ऐसा कोई विशेष सुनी था। जो नहीं आते उनको ऑब्सेंट किया जाता है, ऐसा नहीं अब नहीं आते हैं, ऑब्सेंट रहेंगे, सीधी सी बात है। और ख़ासकर जो जैसे कोई ऐसे अपने टीचर हैं जो उनकी भाई भी सी बन गई है, उनको उनके प्रति जो भी हमसे हो सकेगा, जो भी ढंग कार्रवाई होगी की जाएगी। क्या कोई ऐसा नियम है सर कि कोई जो टीचर है आपके यहाँ का, जो कोई टीचर है अगर एक तय ज़्यादा दूरी से आ रहा है तो उसको यहाँ लोकल में लेकर घर लेकर के या कमरा लेकर के रहकर प्रयोग करने की जरूरत है, जो काफ़ी दूर से आ रहे हैं, 30 किलोमीटर दूर से जो आ रहे हैं? वो तो प्रावधान है कि हाँ आपका लोकल में रह करके ही टीचर रहें, आने जाने में थोड़ा सा दिक्कत होता है, उनकी हैबिट है, वो कितना सफ़र कर सकते हैं कितना नहीं, उनके ऊपर निर्भर करता है। हम तो बताते हैं कि दो दिन इस तरह से यदि आप लोग आप डाउन करोगे, जो भी एक आदमी घर जो सारे उसका डाउन करते हैं तो बोलते रहते हैं कि आप लोग और नहीं तो हो सकता है कि शारीरिक रूप से मानसिक रूप से कहीं आपको दिक्कत नहीं हो सकती। खबर भारतवर्ष के लिए नौरोजाबाद उमरिया से रामकृपाल विश्वकर्मा की रिपोर्ट। अपने शहर अपने प्रदेश की ताज़ा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।